सारे ही पत्रकार साथियों का स्वागत जी आया। आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी सी 2022 च, जो पंजाब के लोगों ने मान साहब नू पंजाब दा मुख्यमंत्री चुनिया, उहदे च एक बहुत वड्डी लोगों की उम्मीद सी, लोगों की तवक्को सी मान साहब की सरकार तो कि जिस तरीके नाल जिहड़े लोगों ने पंजाब च पिछले सालों च लुट खसुट की है, पंजाब ते कर्जा चढ़ गया ते अपने वड्डे वड्डे एम्पायर खड़े कर ले, पंजाब नू सत्ता दे नशे च अन्ने वार लुट खसुट की, पंजाब दे सरमाए दी, पंजाब दे आने वाले भविख नू जिहड़ा है वह खतरे च पाया, उन्हां दे खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करे बल्कि इसनू अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। और आम आदमी पार्टी का जिहड़ा बेसिक सिद्धांत है, जिहड़े प्रिंसीपल्स है आम आदमी पार्टी के, जो असी पूरी झाती मारते, जो अरविंद केजरीवाल जी जिहड़े साडे नैशनल कन्वीनर है उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की दिल्ली च, और उस टाइम सब तो वध इस करके लोगों ने भरोसा जताया सी भी आम आदमी पार्टी करप्शन नू लैके जीरो टॉलरेंस की जिहड़ी पॉलिसी है उसते काम करूगी। आम आदमी पार्टी की स्थापना ही जिहड़ी है एंटी करप्शन जिहड़ी मूवमेंट सी उहदे चों हुंदी है, और उहदा सबूत दिंदे होए 2015 च दिल्ली दे माणयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिहड़े नैशनल कन्वीनर भी हैं, उन्होंने अपने मंत्री नू बरखास्त किया सी करप्शन दे चार्जेस। उस सिद्धांतां ते उस प्रिंसीपल्स ते चलदे होए जदों पंजाब च 92 MLA लैके एक वड्डा मैंडेट आम आदमी पार्टी नू मिलता है, मान साहब पंजाब दे मुख्यमंत्री बनते, उस मुख्यमंत्री बनन दे टाइम बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और माणयोग पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होना ने लाइव होके अपने MLA की मीटिंग च गल कही सी कि जिहड़ा साडा प्रिंसीपल है, सिद्धांत है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उहदे ते अगर साडा कोई MLA कोई वजीर कोई लीडर पाया गया तो पार्टी उहनू बख्शूगी नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूगी। और उससे ही लाइन ते चलदे होए एक ईमानदार कट्टर ईमानदार जिहड़ी लीडरशिप दा सबूत दिंदे होए पिछले दिनां च पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी ने अपने एक हैल्थ मिनिस्टर नू 1% चार्जिस दे जिहड़े उहनां दे साबित हो रहे, जिहड़े उहनां दे खिलाफ आई सी गल, उहनू मद्देनज़र रखदे होए बाहर दा रस्ता दिखाया सी। ते अज पंजाब कांग्रेस सरकार दे जिहड़े साबका वजीर है साधु सिंह धर्मसोत, नाम साधु ते कम डाकुआं वाले, एक कहावत है 100 दिन चोर दे ते 1 दिन साधु दा, ते इत्थे ते 100 दिन साधु को रहे आ ते 1 दिन पुलिस दा, अज उहनू मान साहब की सरकार ने अरैसट किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर, जिन्हें अजे फॉरेस्ट मिनिस्टर रहिंदे होए इलीगल तरीके नाल जंगलात की कटाई की और चो कमीशन खादा, ये उन्हां ते दोष है। और हुंदा ये रहा है पंजाब के इतिहास च, क्योंकि कभी अकाली दल BJP की सरकार आ गई कभी कांग्रेस की सरकार आ गई, इन्हां लोकां ने कभी भी परवाह नहीं की क्योंकि इन्हां नूं लगदा सी सैटिंग हो जानी आ, अकाली दल सोचता सी कांग्रेस आऊगी तो कांग्रेस नाल सैटिंग हो जाऊगी, कांग्रेस वाले सोचते सी असी सत्ता तो बाहर जावांगे तो अकाली दल BJP नहीं आना, सैटिंग फेर हो जानी। और उस सैटिंग च पंजाब ते 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया ते इन्हां लोकां दे वड्डे वड्डे एम्पायर खड़े हो गए। और सत्ता दे अहंकार च गुरूर च तुसीं देखो धर्मसोत जी दीआं जिहड़े बयान है प्रेस मिलनियां इन्हां दा, इन्हों की शब्दावली, इन्हों का बॉडी लैंग्वेज, ये परवाह ही नहीं करते सी ये लोग, इन लाल सानू किसी ने हथ नहीं पाउणा। पंजाब के लोग मान साहब तो इस गल की तवक्को रखते हैं और इस गल का मान साहब की सरकार नू एहसास है
कि करप्शन नू लैके असी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई सैटिंग नहीं करनी। असी वह सारे लोग चाहे वह अकाली दल के होण, कांग्रेस के होण, आम आदमी पार्टी के क्यों ना होण, कोई भी भ्रष्ट बंदा बख्शिया नहीं जाऊगा। जिथे मर्जी ये पनाह ले लैण, आ जिहड़ी पनाहगिरी की आदत पै गई ना पिछले दिनों च कि भारतीय जनता पार्टी च जॉइन कर लाँगे तो उधर कोई बच नहीं सकता, जिन्हें पंजाब की लुट सुट की है, जिन्हें भ्रष्टाचार किया, जिन्हें करप्शन की है, जिन्हें पंजाब का सरमाया लुटिया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन, ये साडा सिद्धांत है, प्रिंसीपल ऑफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का। और आने वाले टाइम च भी बहुत वड्डे वड्डे वह लुटेरे जिहड़े पेट्रोनेस हुंदे रहे सरकारां द्वारा, जिहड़े सत्ता दे नशे च पंजाब दी लुट सुट करदे रहे, और पंजाब दे लोक वेट कर रहे इस गल दी। और मान साहब की सरकार वालों, आम आदमी पार्टी वालों, अज पंजाब दे लोकां नूं असीं इस गल दा भरोसा दवाउने आ, ना साडी सरकार किते सैटिंग करेगी, ना कंप्रोमाइज करेगी, ते ना किसे नूं बख्शूगी। असी तो अपना वजीर जिहड़ा 1% दे चा दोष है उन्हूं नहीं बख्शिया। सो अज बहुत एक वड्डे स्तर ते पंजाब दे लोकां ने सुख दा साह लिया, सैटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। और जिहड़ी उम्मीदां नाल, जिहड़ी तांग लैके मान साहब नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री बनाया सी, मान साहब भी उस एजेंडे ते, आम आदमी पार्टी की सरकार उस सिद्धांतों से चलते हुए इस जे करप्ट लोगों तो आने वाले टाइम भी नहीं बख्शूगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। करप्ट लोगों का जिहड़ी जगह है, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के आधार पर उन्होंने बिल्कुल सज़ा मिलेगी। जिहड़े जिन्ने मर्जी अजे कांग्रेसी रौला पा रहे ना बदले की भावना, ये अपनी अंतरात्मा नाल दस देण, ये अपने अंदरों अपने बच्चों वाल झाती मार के दसन के नहीं हुई लुट सुट पिछले सालों पंजाब की। पंजाब का सरमाया रेता के रूप, ट्रांसपोर्ट के रूप, जंगलात के रूप, इनवायरमेंट सब तो वध क्राइसिस फेस कर रहे हैं, पानी के जिस तरीके सानू क्राइसिस पंजाब के आने वाले टाइम ली। सो ये सारिया चीज़ों लिए जिहड़े जिम्मेवार है बिल्कुल बख्शिया नहीं जाऊगा। और मान साहब की सरकार के इस एक्शन का आम आदमी पार्टी स्वागत भी करती है, और आने वाले टाइम लिए भी पंजाब के लोगों को यह वादा करती है, जिस उम्मीदा नाल तुसी मान साहब नूं मुख्यमंत्री बनाया आम आदमी पार्टी नूं, उह सारे वादे भी पूरे होणगे, और करप्ट निज़ाम जिहड़ा इन्हां लोकां ने पैदा कीता सी उहदी बिल्कुल जिहड़ा जड़ां तों खत्म होगा। सो अज दा इह विशा सी, तुहाडी कोई सवाल हो तां कर सकदे। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਖੱਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਇਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਡੇਰਿੰਗ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਰੂਫ, अकॉर्डिंग टू CRPC जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है, बदले की भावना ना किसी ते कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये साड़ी कमिटमेंट है, पंजाब के लोगों का, मान साहब की कमिटमेंट है, और पंजाब के लोगों ने भी मान साहब ते इस करके भरोसा जताया आम आदमी पार्टी ते कि इस करप्ट लोगों तो जिहड़े पीढ़ी दर पीढ़ी पहला पंजाब ते राज भी करते रहे, पंजाब की लुट सुट भी करते रहे,
उन्हां तों निजात मिलेगी और इन्हां नूं सज़ा भी मिलेगी, बख्शिया नहीं जाऊगा। ये पर्दे पा देंदे सी, कैप्टन साहब ने भी बड़ियां इनकुआरियां अनकुरियां करा के हुण 15 दिन बाद एक बयान दे देंदे आ, मेरे को सबूत पए, मेरे को लिस्टां पईआं। ये सैटिंग कर रहे हैं, हजे भी सैटिंग। ये सैटिंग आम आदमी पार्टी और मान साहब की सरकार रानी हो। जो 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 करतूत इन्हां दीआं रहीआं आ, जिहड़े जिहड़े कारनामे अंगेंस्ट दा लॉ जा के वायलेशन ऑफ गाइडलाइन हुई है या करप्शन हुई है, भ्रष्टाचार होया, अपने रसूख दा अपने पोस्ट दा गलत इस्तेमाल होया, ते पंजाब दी ओ कोई नहीं बख्शा जाऊगा, वारी सारयां दी आऊगी जिहड़े जिहड़े लुट छुट लीडर बीजेपी चले गए उहनां दी कारवाइयां हो रहीआं कि उहनां नूं। देखो ये बड़ी मतलब पंजाब और सारा देश समझदा है कि अज देश च करप्ट ते भ्रष्ट लोकां दी नवीं पनाहगार बन गई, वह भारतीय जनता पार्टी बन गई है। जिड्डा मर्जी वड्डा पाप कर लो तो वह कहिंदे साडे वल आ जाओ तो असी तुहानू बचा लांगे। ये बीजेपी का जिहड़ा दोहरा मापदंड है, किरदार है, वह भी लोगों के सामने आपां देखिया। वैसट बंगाल पहला एक लीडर के खिलाफ CBI इनकुआरी इनफोर्समेंट डायरैक्टरेट जाता, फिर उन्होंने BJP शामिल कर लिया जाता, फिर वह BJP MP बन के फिर BJP फिर छड़ दिंदा, तो इनकुआरी फिर खुल जाती। सो BJP का जिहड़ा दोहरा मापदंड है ये भी सामने आ, ये जिथे मर्जी पनाह ले लैन, बख्शिया कोई नहीं जाऊगा। ये कोई तरीका नहीं गा, अकॉर्डिंग टू लॉ सारे ते कार्रवाई होगी कानून के आधार पर, और थोड़ा मैं लगता टाइम भी लगेगा, बचन बख्शना नहीं गा। सैटिंग नहीं हो पानी, सैटिंग BJP कर लैन, कांग्रेस कर लैन, कैप्टन ना कर लैन, लेकिन पंजाब के लोग और सारा सरकार देख रही है, जिहड़े जिहड़े गुनाहगार है आने वाले टाइम बिहाइंड द बार जाएंगे। शुक्रिया।